दिल्ली नगर निगम चुनावों का परिणाम आ गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने 134 सीटों पे जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल किया है। इस चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा कर रहे हैं कि 800,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोट देकर केजरीवाल को जीत दिलाई है। मेजर सुरेंद्र पुनिया नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा, लगभग 800,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में रहते हैं। केजरीवाल ने इन सब को अवैध तरीके से दिल्ली में बसाया है। इन सब ने मौलवियों को तनख्वाह देने वाले और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड आतंकवादी ताहिर हुसैन के गुरु केजरीवाल को वोट दिया है। #MCDResults। वहीं कई और वेरीफाइड यूजर ने भी ऐसे ही कैप्शंस के साथ इसे शेयर किया। इस दावे की जांच के लिए हमने गूगल पर सिंपल सर्च किया। हमें नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या घुसपैठिया रह रहे हैं। ये घुसपैठिये देश के अलग अलग राज्यों या शहरों में रहते हैं। रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और राजस्थान में रहते हैं। उधर UNHRC के अनुसार भारत में 2021 में दिसंबर महीने तक देश के अलग अलग इलाकों में करीब 18,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में रहते हैं। खबरों के मुताबिक यहां करीब 5,000 रोहिंग्या रहते हैं। हालांकि कई पक्ष यहां 10,000 रोहिंग्या मुसलमान के होने का दावा करते हैं। वहीं हमें आज तक का एक रिपोर्ट मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और राजस्थान में रहते हैं। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में सर्च करने पर हमें BBC की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जवाब का हवाला देते हुए बताया गया कि पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 110,000 है। ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आए तो थे भारत में वीजा लेकर, लेकिन वीजा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। BBC की रिपोर्ट ने आगे बताया है कि नित्यानंद राय ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश में अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले अप्रवासियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें से सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में हुए हैं। 2017 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1,175 लोग पकड़े गए थे और 2018 में 1,118 और साल 2019 में 1,351 लोग पकड़े गए थे। टीम के द्वारा तमाम मीडिया हाउस में छपी खबरों की पड़ताल करने के बाद ये स्पष्ट है कि किसी भी मीडिया हाउस ने दिल्ली में 800,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर होने की बात प्रकाशित नहीं की है। वहीं सरकारी आंकड़े भी कुछ अलग ही तस्वीर दे रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स का दावा भ्रामक है। ऐसे और फैक्ट चेक्स के लिए देखते रहिए DFRAP।